हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन रहता है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूपीएसआई महासंग्राम 2021, यह नोट्स है जो कि आपको सिलेबस पर आधारित है। 150 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का संग्रह जो कि आपका टॉपिक टू टॉपिक होगा। अब टॉपिक किस तरीके से होंगे, तो सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण, कंप्यूटर और प्रमुख संस्था जैसे जो कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा नंबर है इस पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ SSTD के भी आप अगर नोट्स प्राप्त करना चाहते तो आप इसी नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। उसका जो प्राइस है वो है 299। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा सर्वोच्च न्यायालय, जिससे कि कुछ जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज तो हम 10 देखेंगे, बाकी जो बचेंगे हम वो कल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। ऑप्शन आपके पास 20, 10, 8 या फिर 25 वर्ष। तो मैं आपको बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय बनने के लिए जो न्यायाधीश नियुक्ति मतलब न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो एडवोकेट किसका उच्च न्यायालय का एडवोकेट कितने वर्ष का मतलब कम से कम होना चाहिए। तो जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कम से कम 10 वर्ष का एडवोकेट होना ज़रूरी है। देखते हैं कि जो न्यायाधीशों की है वह योग्यता क्या है। देखो पहली सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, व्यक्ति भारत का नागरिक हो। उसके बाद क्या है, कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। कम से कम और अधिक से अधिक 10 वर्ष का मतलब अगर आपसे क्वेश्चन आया तो आप उसमें अधिक से अधिक मतलब तो 10 वर्ष बहुत है, 10 वर्ष तक का तो फिर भी होना चाहिए, कम से कम में 5 वर्ष कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक क्या होगा, अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट हो। यह व्यक्ति राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठा अधिवेत्ता होना चाहिए। इसके साथ साथ क्या कार्य होना चाहिए, यहाँ पर ये जानना आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है इसके बनने हेतु किसी भी प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है और 10 वर्ष का क्या होना चाहिए, एडवोकेट उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होगी वह तो आपको पता है कि वह भारत का नागरिक हो। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं, मतलब कि किसके द्वारा हटाए जाते हैं, कौन सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वह। ऑप्शन है आपके पास CBI की जांच पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच पर, भारत की एक बार भारत की जो बार काउंसिल है इसकी रिपोर्ट पर, या फिर संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। आपको बता दूं कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। कब हटाए जाते हैं, तो जब उनके ऊपर संसद का जो महाभियोग है उसका प्रस्ताव पारित होता है, इसके बाद ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वह क्या हटाए जाते हैं, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वह सही होगा, यानी कि संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। आइए देखते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आय, यानी कि जो बोल सकते हैं कितने वर्ष तक मिनिमम कार्य कर सकते हैं, उसे कहा जाता है सेवानिवृत्ति। ठीक है, आगे देखेंगे 65 वर्ष होती है। न्यायाधीशों को केवल महाभियोग, यानी कि महाभियोग का मतलब होता है दुर्व्यवहार या असमर्थता के सिद्ध होने पर संसद के दोनों सदन कौन कौन है, मैंने आपको बताया था दोनों सदनों, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना संसद के दोनों सदनों के नाम। आगे देखेंगे 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान के फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मानने होते हैं। ऑप्शन है आपके पास, भारत के उच्चतम न्यायालय के मानने होते हैं क्या, राज्य के उच्च न्यायालय के मानने होते हैं क्या, जिला न्यायालय के, या फिर कोई विकल्प सही नहीं है। अब देखो किसके फैसले भारत के सभी न्यायालयों को मानने पड़ते हैं, तो मैं आपको बता दूँ भारत के जो उच्चतम न्यायालय कौन उच्चतम न्यायालय है, इनके जो फैसले हैं ये सभी को मानने पड़ते हैं, जो सभी न्यायालय है इन्हें मानने पड़ते हैं। तो आपका जो सही सही जवाब होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
भारत के जो बाकी सभी फैसले हैं जितने भी हैं उच्चतम न्यायालय, वह उन्हें मतलब उनके सब फैसले क्या सभी लोग मानते हैं, कौन न्यायालय देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय या भारत के सर्वोच्च न्यायालय, या कहा जाए कि भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत का शीर्ष न्यायालय के प्राधिकरण है, जिसे भारत का संविधान या भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के तहत, कौन सा संविधान का जो भारतीय संविधान के भाग 5 का कौन सा अध्याय 4, इसके तहत स्थापित किया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय के फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मानने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? आहरित का मतलब होता है पेंशन, ठीक है, यानी कि पेंशन होता है। और देखेंगे अपन, सहायक अनुदान, आकस्मिकता निधि, संचित निधि, या फिर लोक लेखा के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन होता है, यह जो आहरित यानी कि पेंशन किसके द्वारा दी जाती है, यानी तो संचित निधि के कारण। किसके कारण? संचित निधि के कारण। अब देखो मैं बताऊँ कि आपको संचित निधि यह क्या है। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266, कौन सा अनुच्छेद है, 266 का जो पहला है भाग, ठीक है, इसके तहत स्थापित किया गया है क्या जो संचित निधि है, इसे उसमें क्या कहा गया है कि यह जो अब ये निधि क्या है। देखो, यह एक ऐसी निधि है जिसमें समस्त एकत्र कर, कौन सा, एक तो एकत्र कर, राजस्व जमा, लिए गए ऋण, जमा किए गए भाग, ये मतलब ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। किसके अंदर? संचित निधि के अंदर। इसके साथ साथ मैं आपको बता, जो संचित निधि है यह सर्वाधिक बड़ी निधि है। ऑब्वियसली बड़ी होगी, अब क्यों बड़ी होगी, देखो इसमें तो समस्त एकत्र कर का भी कार्य होता है, राजस्व भी जमा होता है, अगर राजस्व जो जमा होते हैं, जो ऋण है वो सारे यहीं से लिए जाते हैं, सबसे बड़ी होगी। अगर आपसे पूछ रहे इनमें से कि इन सभी में से कौन सी सर्वाधिक बड़ी निधि है, तो क्या बताओगे आप? संचित निधि। आइए देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन भत्ते एवं पेंशन अनुच्छेद 112 के तीसरे भाग के घ के तहत भारत के संचित निधि पर भारित है, यानी कि दिया जाता है। आपको बता दिया मैंने कि संचित निधि क्या है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम, ठीक है, प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश है वह कौन थे? हीरालाल जे कारनिया, के एन वांचू, एस एच सिकरी, या फिर वाई वी चंद्रचूड़। तो मैं आपको बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन, प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वह थे हरिलाल जे कारनिया। क्या नाम था उनका? हरिलाल जे कारनिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सर हरिलाल जे की सुंदास कारनिया स्वतंत्रता, स्वतंत्र भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आप क्या बताओगे? सर हरिलाल जे की सुंदास कर्निया जी। इनका निधन पद संभालते हुए 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला न्यायाधीश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आप सभी को पता होगा। ऑप्शन है आपके पास सुनानंद भंडारे, लीला सेठ, फातिमा बीबी, या फिर इंदिरा जयसिंह। कौन थी? ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, यानी कि फातिमा बीबी, जो कि उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला, कौन, महिला न्यायाधीश थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह याद ही रखना। देखते हैं, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश है, यानी कि पहले रह चुकी है। वे वर्ष 1989 से इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला है, ठीक है। 6 अक्टूबर 1989 को वे सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त हुई, जहां से 24 अप्रैल 1992 को वे सेवा निवृत्त हुई, यानी कि उनका जो कार्यकाल था वो समाप्त हुआ, ठीक है। उन्हें 3 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि भारत की सदस्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1993 में। क्या बनाया गया था? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि भारत की सदस्य बनाया गया था। किसे बनाया गया था? फातिमा बीबी को। यह कौन थी? तो यह पहली सर्वोच्च न्यायालय की यदि न्यायाधीश थी, प्रथम महिला। अगला क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? अंतिम अधिकार। ऑप्शन है आपके पास लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या फिर सर्वोच्च न्यायालय।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान की जो व्याख्या है इसे करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। तो मैं आपको बता दूं अंतिम अधिकार कहा गया है, तो अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो आपका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है जिसे भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था, अगर ये क्वेश्चन देखो यह भी इम्पोर्टेंट है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन है वह कब किया गया, तो आप बताओगे 28 जनवरी 1950 को हुआ था। किसका, उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन, कहाँ के भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण या फिर संविधान के उल्लंघन का संरक्षण। देखो किस किस के पास आते हैं जो मामले, एक तो उच्च न्यायालय के पास भी आते हैं, उच्चतम न्यायालय दोनों के पास क्या होते हैं, दोनों की अधिकारिता में आते हैं। तो मैं आपको बता दूं जो मूल अधिकारों का संरक्षण है इसमें जो मामले है यह उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। तो आपको जो सही जवाब होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूल अधिकारों का संरक्षण। उपरोक्त विकल्प ए और बी की अधिकारिता मात्र उच्चतम न्यायालय के निहित है। ठीक है, पहला और दूसरा, आप देखो पहला दूसरा कौन सा है, तो केंद्र और राज्यों का विवाद और राज्यों पर परस्पर विवाद, यह किसके अंतर्गत आ गए हैं, तो उच्च न्यायालय। इसके बाद देखेंगे हम उच्चतम न्यायालय। ठीक है, इसके बाद जबकि जो विकल्प सी है यानी कि मूल अधिकारों का संरक्षण, जहाँ पर अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है और अनुच्छेद 226 के तहत राज्य उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त, यानी कि दोनों को ही प्राप्त हो गए हैं। दोनों अनुच्छेद में कहा गया है, एक में क्या कहा गया है 32 में कि सर्वोच्च न्यायालय, और 226 में क्या कहा गया है उच्च न्यायालय, राज्य उच्च न्यायालय को, तो दोनों ही आपके सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायक का स्थान प्रदान करता है। ऑप्शन है आपके पास, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 129 या फिर अनुच्छेद 143। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है, अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, यानी कि अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। क्लियर है, देखते हैं, अनुच्छेद 129 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, उसको अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय को भी शक्तियां होगी। क्लियर है, तो आपको यह रखना है कि जो 129 जो अनुच्छेद, इसमें क्या कहा है कि उच्चतम न्यायालय का जो अभिलेख है यह न्यायालय होना उच्चतम न्यायालय अभिलेख, यानी कि अभिलेख न्यायालय होगा, क्या होगा, अभिलेख न्यायालय होगा। चलिए आज के क्वेश्चन हमें हमारे यहीं पर ख़त्म होते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको डिफ़िकल्टी आई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।